तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल पर। और फ्रेंड्स, आप अगर Facebook यूज करते हैं ना और जब WhatsApp यूज करते हैं ना, तो दोस्तों आज का इस वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक के बारे में बताऊंगा ना जो कि आपको डेली लाइफ में कभी ना कभी काम आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं 100% कहता हूँ कि आपको जो है डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों इसका यूज आप करोगे। सो दोस्तों, क्या है वो ट्रिक व्हाट्सएप और फेसबुक का, तो आइए आज हम सीख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं एप्लीकेशन को ओपन करूंगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन को डाउनलोड किस तरह करना है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जैसे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नोट का ऑप्शन आता है। आप जिस किसी भी फ्रेंड को यहाँ पर दोस्तों कोई भी चीज़ लिखना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर हाई लिख दिया, आप कुछ भी चीज़ लिखना चाहते हो, लिख के सेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप नोट में यहाँ पर टाइप कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर अटैच फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कोई भी फोटो या वीडियो कुछ भी हो, आप यहाँ से दोस्तों अपना गैलरी से ओपन करके जो है उसको जो है यहाँ से भेज सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है एक फ़ोटो ले लेता हूँ, और फोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ही सेकंड में यहाँ पर अपलोड हो जाता है। तो मेरा फोटो यहाँ पर देखिए अपलोड हो रहा है। यहाँ से दोस्तों जैसे ही अपलोड हो जाता है ना, तो आपको दोस्तों यहाँ से कुछ नहीं करना है। आप दोस्तों आप जिस फ्रेंड को यहाँ से भेजना चाहते हो, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आप जिस किसी को भी भेजना चाहते हो, तो यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आता है पासवर्ड का। सो दोस्तों आप यहाँ पर जो अपना पासवर्ड यहाँ पर सेट कर दोगे। पासवर्ड सेट करने के बाद फ्रेंड्स आप जिस फ्रेंड को यहाँ पर भेज रहे हो, उस फ्रेंड को यहाँ पर अपना पासवर्ड यहाँ को बताना है। इससे ये होगा दोस्तों कि आपका फ्रेंड के अलावा कोई भी दूसरा बंदा जो है इस फोटो और इस जो है नोट को पढ़ नहीं पाएगा, यानी कि इसको जो है ओपन ही नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको खुद से यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्रिएट शॉर्टकट लिंक का यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना एक लिंक क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों इस लिंक को आपको करना क्या है, यहाँ पर शेयर वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप शेयर वाला बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक वगैरह वगैरह आ जाता है। आप दोस्तों यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको, और जिस किसी भी फ्रेंड को यहाँ पर भेजना है उसको दोस्तों यहाँ से आप सेंड कर दोगे। तो फ्रेंड्स मैंने वो मोबाइल से अभी इस मोबाइल पर जो है एक SMS को सेंड किया व्हाट्सएप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पर देखिए वो लिंक जो है यहाँ पर आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको वो पासवर्ड देना है, ठीक है। जो भी पासवर्ड आप यहाँ पर वहाँ पर टाइप किए थे, वो आप जो है दोस्तों इस दोस्तों को यहाँ पर आपको बताना होगा। और बताने के बाद जैसे ये फ्रेंड्स यहाँ पर जो है अपना पासवर्ड ये क्रिएट करेंगे और यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो है पासवर्ड यहाँ से खुल चुका है। जैसे मैं यहाँ पर हाई लिखा था और यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो दिया था, तो फोटो को यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये फोटो जो है डाउनलोड होने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, ये निर्भर करता है आपका नेट स्पीड पर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस फोटो को यहाँ से सेंड किया था। सो दोस्तों इस तरह करके आप किसी को भी व्हाट्सएप में कोई भी शेयर करोगे ना, तो वो आपका दोस्त के अलावा कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। सो दोस्तों अगर इस ट्रिक को पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करना है सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। तो दोस्तों आप जैसे ही इसको टाइप करोगे, तो आपके सामने दोस्तों ये एप्लीकेशन आ जाएंगे। आपको इसे अपना मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों।